ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक होंडा का लॉन मूवर का एक अनबॉक्सिंग, जो कि है HRJ216। उसका मॉडल नंबर एंड उसका सारा डिटेल्स मैं धीरे धीरे वीडियो में देता रहूँगा, और इसका फीडबैक कैसा है वो सब भी बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको फिटिंग कैसे करते हैं। मतलब जब वो नया आता है तो वो डिसमेंटल होकर रहता है, तो उसको फिटिंग कैसे करते हैं, पूरा सेटअप कैसे करते हैं, वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और इसका पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, इसमें क्या क्या रहता है। जैसे कि इसका कटिंग विथ इंचेस में 21 इंच और MM में 530 इंच रहता है, सॉरी 530 mm रहता है। और इसका कटिंग हाइट रहता है मिलीमीटर में 16 to 76 mm, जो कि 11 स्टेजेस में रहता है। मतलब 11 स्टेज में आप इसको कट कर सकते हैं। ग्रास कैचर कैपेसिटी है, मतलब जो ग्रास कैच होता है, जो ये थैली है अभी जो पिछले एक फ्रेम में देख रहे थे आप लोग, वो 70 लीटर्स का रहता है। फिर फ्यूल का टैंक का कैपेसिटी 1.5 लीटर रहता है, पेट्रोल टाइप रहता है ये। सारा डिटेल आपको ये राइट साइड में मिल जाएगा, आप चाहे तो इसको पॉज करके आप देख सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं इसको फिटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि ये जो इसका रॉड है, इसको आप लोग को फिटिंग करना पड़ेगा। इसमें आपका गियर्स एंड वो एक्सीलेटर सब रहता है, तो इसको ऐसे यहाँ पे इसका नट रहेगा, ऐसे लगा के इसको फिट कर देना है। देखिए फिटिंग प्रोसेस ऐसा हो रहा है, आप लोग थोड़ा इसको पॉज करके या स्लो करके देख सकते हैं।
अब इसका पेट्रोल डाल दिया गया इसके इंजन पे, जो कि 1.5 लीटर ही होल्ड कर सकता है पेट्रोल। तो वो डालने के बाद अभी इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, क्योंकि नया इंजन है तो इंजन ऑयल रहता है, जैसे हम लोग का गाड़ी का मोटर रहता है सेम ही रहता है, तो इंजन ऑयल डालना पड़ेगा इसमें। अभी ये बंदा अभी इसमें इंजन ऑयल डालेगा, इंजन ऑयल कुछ 180 to 200 रुपीज़ का रहता है। तो उसको जैसे गाड़ी में हम लोग इंजन ऑयल चेंज करते हैं, फिर मतलब कुछ महीनों में कुछ उसका शेड्यूल रहता है, वैसे शेड्यूल रहना पड़ेगा। और ये 2 साल का वारंटी के साथ आता है, उसमें ये लोग मेंशन करते हैं कि प्रॉपर, जैसे उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस रहना है, मतलब उसका जो मेंटेनेंस का शेड्यूल है वो आपको फॉलो करना है, तो तब भी तो ही वो लोग 2 साल का वारंटी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अभी ये चेक करके दिखाएगा मेरे को कि कैसा है, मतलब वो इंजन का ऑयल का क्वालिटी कैसा है। अभी देखिए निकाल के दिखाएगा, देखिए ऑयल पूरा नया है, अभी दिखा रहा है मेरे को। बोलते हो तो इसमें होगा, जो पहला वाला है जो अभी वो बंदा पकड़ा है, वो आपका क्लच जैसे काम करता है, जैसे गाड़ी में क्लच दबा के आपको गाड़ी स्टार्ट करना पड़ता है ना, ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है। ये यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो इसका एक्सेलरेशन मतलब गियर में रहता है, मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर जैसे रहता है वैसे रहता है। और सबसे पिछले वाला और एक जो था वो एक्चुअली उसका मतलब गाड़ी आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेस करना पड़ता है, जैसे दोनों प्रेस करके वो चला रहा है, प्रेस करेगा दोनों तो गाड़ी आगे बढ़ेगा। पहला वाला ओनली प्रेस करके गाड़ी को स्टार्ट करना है, सेकंड वाला प्रेस करोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगा, तो ऐसा रहता है। अभी ये कट करके दिखाएगा हम लोगों कि कैसा कट होता है। ये देखिए इसमें वो स्पीड रहता है, मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर में कैसा स्पीड रहता है ना वैसे रहता है। और ये वो काटने के बाद इसमें वो ग्रास जमा होता है, कुछ कुछ रहता है बिना ग्रास जमा होने का रहता है, उसमें आपको मैनुअल वर्क ज़्यादा रहता है, इसमें आप काट के उसको फेंक सकते हो।